आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों लेते हैं पहले समाचार को। कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द होगा निस्तारण, मुख्य सचिव के साथ बैठक में हुई चर्चा। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष बीपी मिश्र एवं महासचिव शशि कुमार मिश्र ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द निस्तारण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी के साथ हुई बैठक में इस संबंध में चर्चा हुई है। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक मुख्य सचिव ने बताया है कि दिसंबर में हर हाल में मांगों पर निर्णय कर शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। पेंशन एवं फ्रीज महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार से निर्णय के बाद फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो फ्रीज महंगाई भत्ता है, कोरोना काल में 1.5 वर्षों का कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया गया था, तो उसकी डिमांड लगातार कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा डिमांड है वो है पुरानी पेंशन व्यवस्था का। तो इन दोनों ही मुद्दों को सचिव ने अपने स्तर से निस्तारित करने की बात नहीं कही है। इसके संदर्भ में उन्होंने यही कहा है कि इन दोनों ही मुद्दों पर, जो कि पेंशन का है और फ्रीज महंगाई भत्ते का है, इस पर केंद्र के निर्णय लेने के बाद ही ये कुछ कर सकेंगे। बैठक में आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी के सेवा सुरक्षा वेतन भुगतान एवं ईपीएफ न काटने वालों पर कार्यवाही, 3% महंगाई भत्ते के भुगतान की पत्रावली मुख्यमंत्री को भेजने, 13 दिसंबर तक मुख्य सचिव समिति की पहली बैठक में डिप्लोमा फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन और ऑटोमेटिस्ट सहित स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के अन्य संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने, स्थानीय निकाय के संवर्ग का पुनर्गठन, केजीएमयू कर्मियों का काडर पुनर्गठन एवं पदोन्नति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। अगला समाचार जनपद पीलीभीत से है। एडी बेसिक का प्रसिद्ध स्कूलों में छापा, प्रधानाध्यापकों को कड़ी चेतावनी। बरेली मंडल के एडी बेसिक ने जनपद के मरौरी क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहाँ पर अव्यवस्थाएं पाई। ऐसे विद्यालयों को कड़ी चेतावनी दी गई। वहीं बीएसए ने वरखेड़ा और विलसंडा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान एमडीएम में छात्र संख्या अधिक पाई गई, इस पर हेडमास्टरों को नोटिस दिए जाएंगे। केजीबीवी में व्यवस्थाएं ठीक मिली, स्कूलों में गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। खमरिया पंडरी स्कूल में किचन गार्डन नहीं बना पाया गया, इस पर कड़ी नाराजगी जताई गई। तो दोस्तों किचन गार्डन के लिए भी नाराजगी जताई जा रही है। तो जहां जगह है, जहां स्थान है किचन गार्डन डेवलप करने का, वहां पे किचन गार्डन के रूप में कुछ न कुछ हमें करना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। 15 दिसंबर को होगा प्रधानों का जमावड़ा, मानदेय व अधिकार बढ़ाने सहित कई योजनाओं का होगा ऐलान। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं राजधानी लखनऊ से एक न्यूज है। 15 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में प्रदेश के ग्राम प्रधानों का जमावड़ा होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मानदेय बढ़ाने से लेकर अधिकारों में वृद्धि सहित कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। आयोजन में प्रदेश भर से करीब 1,25,000 लोगों के आने की संभावना है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने आयोजन की तैयारी के निर्देश दिए हैं। सभी प्रधान सरकारी खर्च पर बुलाए गए हैं। आयोजन के लिए भोजन पानी की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 58,189 ग्राम पंचायतों का शुभारंभ भी करेंगे। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।